हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोमेंट एश वाइब्स। सो जैसा आपने टाइटल से गेस कर ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ईयर 2022 आपके लिए एक गुड ईयर है टू कम टू कनाडा, टू माइग्रेट टू कनाडा। जो इस साल अनाउंसमेंट्स हुई हैं फॉर द ईयर ऑफ 2022 टू 2024 रिलेटेड इमिग्रेशन प्लान्स, तो उन प्लान्स में क्या बात की गई है, क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कौन उन अनाउंसमेंट से बेनिफिट कर रहा है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम ये भी बात करेंगे कि क्या इज इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा दिस ईयर और हमारा उसके ऊपर क्या टेक है। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्या ये गुड न्यूज है कि जो भी अनाउंसमेंट हुई है। सो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक दैट डिसीजन कि क्या आपके लिए बेस्ट है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द कंटेंट। As we all know कि कनाडा हर साल बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इनवाइट करता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस साल भी कनाडा ने अपना इमिग्रेशन लेवल प्लान जो है फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2024 ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। दिस प्लान केम आउट ऑन February 14, 2022। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू प्लान, कनाडा इस साल अराउंड 431,645 पीपल को इनवाइट करने का प्लान कर रहे हैं। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा नंबर लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है एंड इट सुनने में ये लगता है कि बहुत ही गुड न्यूज है, वाओ वेरी एक्साइटिंग न्यूज, बट इज इट एक्चुअली अ गुड न्यूज। सो इफ यू गाइस लुक एट योर स्क्रीन्स, तो जो ओवरऑल टारगेट था लास्ट ईयर इन 2021 वो था 401,000 पीपल, बट इस साल वो टारगेट बढ़ चुका है, इट इज 431,645 पीपल और ये आने वाले सालों में विच इज इन द ईयर ऑफ 2023 एंड 2024 भी बढ़ने वाला है। बट अगर हम इसका ब्रेक डाउन देखें तो जो लास्ट ईयर FHS ड्रॉर्स थे, FHS ड्रॉर्स होते हैं जो कि होते हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉर्स विच इंक्लूड्स योर CEC एंड फेडरल स्किल्ड वर्कर ड्रॉर्स, तो वो जो लास्ट ईयर थे वो थे 108,500, बट इस साल वो नंबर जो है कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया है एंड इट इज नाउ बिकम 55,900 एंड वो आने वाले सालों में भी कम ही रहेगा एंड धीरे धीरे जाके बाय द ईयर ऑफ 2024 तक इंक्रीज होगा। येस मे बी ओवरऑल टारगेट वाइज येस इट साउंड्स लाइक अ गुड न्यूज, बट इट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर पीपल हु वॉन्टेड टू अप्लाई अंडर FHS कैटेगरी। वहीं अगर हम आगे जाके देखें कि PNP ड्रॉज हैं वो जो कि है लास्ट ईयर उनका था 80,800 इन्विटेशंस, तो इस साल वो इन्विटेशंस हो गई हैं 83,500 विच इज डेफिनेटली लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज। एंड वहीं AIP प्रोग्राम भी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर उसका इन्विटेशंस नंबर ऑफ इन्विटेशंस वर 6,000 बट दिस ईयर इट इज 6,250। ओवरऑल अगर आप देखें तो PNP, AIP, फैमिली वाला ये सब जो कैटेगरी है इसमें जो है नंबर्स में इंक्रीज हुआ है, लेकिन FHS जो ड्रॉज हैं वो डिक्रीज हुए हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अदर कैटेगरीज बट डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर दी FSH कैटेगरी। सो गाइस, बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स हमें क्या दिखता है कि आपके पास अब कनाडा आने के लिए जो ऑप्शंस बचती हैं वो है कि अगर आप अपने स्टूडेंट वीजा से आ सकते हैं, अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू आ सकते हैं, आप AIPP प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं, आप PNP प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं। हमने PNP की वीडियोस भी बनाई हैं, ये प्लेलिस्ट आप अपने आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं और AIPP पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज उन्हें चेक कीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, सो आप प्लीज थरली उन वीडियोस को जाके चेक कीजिए और देखिए कि अगर आपके लिए ये सूट करता है इमिग्रेट करने के लिए। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज हैं या CEC और FHS ड्रॉज है उनके लिए ये न्यूज थोड़ी बुरी है, थोड़ी नहीं काफी बुरी है, क्योंकि दे विल हैव टू नाउ वेट फॉर क्वाइट अ व्हाइल एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना है कि क्या कनाडा आपके लिए फॉर 2022, 2023 एंड 2024 एक सही ऑप्शन है माइग्रेट करने के लिए या नहीं। इसका इफेक्ट एक ये भी है कि अब जो इमिग्रेशन है उसका ट्रेंड देखने को ऐसा मिलेगा कि स्टूडेंट इन्फ्लक्स काफी होगा कनाडा में, सो अब स्टूडेंट परमिट, स्टूडेंट वीजास इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया जाएगा क्योंकि इसी के थ्रू आप कनाडा श्योर शॉट और बहुत जल्दी आ सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो प्लीज चेक कीजिए आई बटन पे, हमने एक स्टूडेंट परमिट के, स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, प्लीज चेक इट आउट, इट्स अ वेरी गुड वीडियो। अपने कॉमेंट्स उसमें हमें बताइए कि अगर आपको कुछ और जानना है स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट परमिट के रिलेटेड। ये सब बातें तो थी फैक्ट्स की, ऑप्शंस क्या बचते हैं या फिर आपके पास कौन से आने वाले टाइम में क्राइटेरियाज रहने वाले हैं टू माइग्रेट टू कनाडा, बट नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, क्या इज इट स्टिल वर्थ टू कम टू कनाडा, इज इट एडिंग दैट वैल्यू दैट इट यूज्ड टू और व्हिच पीपल यूज्ड टू थिंक दैट कनाडा इज एडिंग टू देयर लाइव्स। सो
गाइस ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपकी सिचुएशन पे कि आपकी लाइफ में आप किस सिचुएशन में हैं और आपकी अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हैं। वो सिचुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा कि इज इट अ गुड टाइम टू माइग्रेट टू कैनेडा और नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं जिसने हु इज रिसेंटली ग्रेजुएटेड या जिसने अभी 12th स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली क्लियर करी है, अब उस स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो कैनेडा में आए। आप कैनेडा में आकर आप स्टडी परमिट पे कैनेडा आ सकते हैं, कोई अच्छा कोर्स चूज कर सकते हैं और फिर जब आप अच्छा कोर्स चूज करेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी फील्ड जॉब में एंटर कर सकते हैं एंड देन वहां से आपका करियर काफी ब्राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स जब स्टूडेंट्स अपना कोर्स चूज कर रहे होते हैं वो कोर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका फोकस होता है कि यार हम किसी भी तरह कैनेडा पहुंच जाएं, बस वहां की पीआर लेनी है। आउट ऑफ आर एक्सपीरियंस हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि पीआर ही लेना सब कुछ नहीं है। अगर आपने पीआर ले भी ली तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे कैनेडा में अगर आपके पास एक अच्छी इनकम नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब कैनेडा आएंगे तो आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इंडियन एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे आपके, या फिर किसी आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो वहां के एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे, आपके यहाँ के कैनेडियन एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो आप कैसे वो सब कुछ मैनेज करेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रॉपर करियर इन कैनेडा एंड इन ऑर्डर टू स्कोर अ गुड जॉब इन कैनेडा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें या एटलीस्ट आपका एक जो आपका कोर्स है वो अच्छा कोर्स हो और वो आपका वैल्यूएबल कोर्स हो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो येस डेफिनेटली अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये अभी भी अच्छा ऑप्शन है टू माइग्रेट टू कैनेडा। तो गाइस अगर आपको देखना है कि कौन से जो कोर्सेज हैं वो हाई इन डिमांड है या कौन से जॉब्स हैं जो हाई इन डिमांड इन कैनेडा इन द ईयर ऑफ 2022 है तो आप आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, इसका हम लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। सो आप यू डेफिनेटली गो थ्रू दैट वीडियो एंड उससे आपको पता चलेगा कि ये इस ईयर में आपके लिए कौन से जो कोर्सेज हैं वो ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। दिस विल एटलीस्ट हेल्प यू आउट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स फॉर योरसेल्फ। ये अब बात थी आपके स्टडी रिलेटेड चीज की, लेकिन अगर आप टेक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि देर आर पीएनपी पाथवेज जो कि टेक एक्सेलरेटेड टेक पाथवेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में, कैलगरी में काफी टेक बूम हो रहा है, इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, तो दैट कुड बी अनदर गुड ऑप्शन फॉर टेक पीपल, आईटी पीपल जो यहां मूव करना चाहते हैं। बट ऑल्सो इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अगर आपकी इंडिया में, आप जिस भी कंट्री में हैं वहां पे आपकी जॉब अच्छी है टेक इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में, सो प्लीज अपने आप को वहां से अप्रूव करके यहां आने से पहले प्लीज दो बार सोचें, क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, विच इज वेरी टफ। क्योंकि गाइज एक बेसिक माइंडसेट है कि हमें बस कैनेडा मूव होना है विद नो रीजन और विद रीजन, बट द मेन थिंग इज वो वैल्यू क्या ऐड कर रहा है, वो मूव आपको कितना पीछे लेके जा रहा है अपनी लाइफ में, यू हैव टू मेजर ऑल दैट। बस जस्ट बिकॉज कि आपको कनाडा आना है, प्लीज डोंट मेक दैट हेस्टी डिसीजन, थिंक केयरफुली, थिंक स्मार्टली। तो गाइस हम आपको जो ये सब चीजें बोल रहे हैं कि बिफोर अप्रूटिंग योर सेल्फ थिंक ट्वाइस, इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी कंट्री में है जहां पे आपके पास एक सेटल्ड लाइफ है, एक सेटल्ड जॉब है, देन इट मेक्स नो सेंस कि आप किसी नई कंट्री में जाके दोबारा से अपनी लाइफ को इतने साल पीछे ले जाएं, दोबारा से वो सारी स्ट्रगल शुरू करें। सो एंड ऑब्वियसली अगर आप इतना बड़ा मूव ले रहे हैं किसी और कंट्री में जाके रहने का तो वो अपनी बेटरमेंट के लिए ले रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सामने कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर मेकिंग दैट बिग मूव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैक्स। ऑल्दो हम जानते हैं, वी ऑल नो कैनेडा इज अ वेरी नाइस कंट्री इन टर्म्स कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं एंड इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। यहाँ पे मोस्टली हर चीज पे टैक्स लगता है। तो अगर आप कपड़े लेने जा रहे हैं तो अगर लेट्स से आपके पास कोई $20 की आप कोई टॉप ले रहे हैं तो उस पर टैक्स लग के वो आपको, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, हर प्रोविंस का अपना टैक्स सिस्टम है, तो वो कहीं आपको $20 की चीज टैक्स टूक्स लग के आपको $24-25 की पड़ जाती है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव दैट वेज। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि येस ऑफकोर्स कैनेडा में आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, सब कुछ है, बट यहाँ का वेज जो है वो इतना भी हाई नहीं है बेसिक वेज की अगर हम बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देखें, कैनेडा में एक फेडरल सेल्स टैक्स लगता है जिसको हम GST बोलते हैं एंड कुछ प्रोविंसेस में प्रोविंशियल टैक्स भी लगता है जिसको हम रिटेल सेल्स टैक्स बोलते हैं।
So and some provinces combine these two taxes and it becomes HST tax, which is called the harmonized sales tax. तो जो ऑन्टेरियो है उसमें जो HST है वो ऑन्टेरियो में 13% है, BC में जो PST है वो 7% है एंड GST है 5%, तो टोटल टैक्स बिकम्स 12%. अल्बर्टा का ऑन दी अदर हैंड जो टैक्स है वो थोड़ा कम है, काफी कम है इनफैक्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, व्हिच इज 5% GST. सिमिलरली जो टैक्सेबल इनकम है वो भी कुछ इसी तरह है, द मोर यू अर्न द मोर यू पे, राइट? तो टैक्सेस काफी हाई हैं आपकी इनकम पे जो आप अर्न करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप, अगेन डिपेंडिंग ऑन प्रोविंस टू प्रोविंस, अगर आप ऑन्टेरियो में हैं या फिर अगर अल्बर्टा में, आपको वहां पे ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा. बट फॉर एग्जांपल कोई अगर $60,000 जिसकी पर एनम सैलरी है उसका लेट्स से 12% टैक्स कटेगा. इसी तरह अगर आप 10,000 और कमाने लग जाएंगे 2 सालों में तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज योर हाउसिंग मार्केट. यहाँ पे चाहे आपने घर खरीदना है चाहे आप रेंट कर रहे हैं, काफी कॉस्टली है. फिर से अगर आपके पास अच्छी इनकम नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव बिकॉज रेंटल मार्केट हो. अगेन अल्बर्टा को हम थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि अल्बर्टा थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है, वो अभी डेवलप हो रहा है. टेक इंडस्ट्री जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, वहाँ पे मूव हो रही है, डेवलप हो रही है, उसके कारण हर चीज डेवलप होगी डाउन द लाइन. लेट्स से जो आज ऑन्टेरियो या बीसी है, डाउन द लाइन 5-6 ईयर्स में वो शायद अल्बर्टा वही बन जाए, राइट? लेकिन अगर आप मोस्टली बात करें अपॉर्चुनिटीज की, वो ऑन्टेरियो और बीसी में अभी भी वहीं पर ज्यादा हैं, राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हाउसिंग वहां पे काफी एक्सपेंसिव है. अगर आपको छोटे से छोटा घर लेना है देन 700-800,000 के कॉन्डोज मिलेंगे जो कि काफी छोटे होंगे, लेकिन विच इज अगेन अ लॉट ऑफ मनी. आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है. वेल इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 20% डाउन पेमेंट देना है, बट इट इज एडवाइजेबल, रिकमेंडेड, क्योंकि आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे उतनी जल्दी और उतना छोटा आपका लोन का टेन्योर होगा. सो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक बहुत बड़ा यू नो एक कंबाइंड फैक्टर बनता है कि हाँ, हाउसिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन कैनेडा. अब बात करते हैं एक और इकोनॉमिक फैक्टर का जो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग यू नो एस्पेक्ट है. कोई अगर मूव कर रहा है, जैसे हम सर्च करते हैं कि कैनेडा कौन सी जॉब्स अच्छी हैं, कौन सी जॉब्स डिमांड में हैं, कौन से कोर्सेज डिमांड में, उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि किसी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. सो यू गाइज विल बी यू नो शॉक टू नो एक्चुअली कि कनाडा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ऑल दो अब पैंडमिक हट गया है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा का बढ़ गया है. सो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सिंस 2021 आई थिंक मार्च, वहाँ से लेकर अब तक जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से बढ़ के 6.5% यानी कि 6-6.5% हो गया, यानी कि 0.5% ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है विद इन फ्यू मंथ्स. उसी तरह एम्प्लॉयमेंट रेट भी नीचे आ गया है. सो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी ओवरऑल इकोनॉमी. तो अगेन आई विल रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप कैनेडा आ रहे हैं या अगर आप कैनेडा आना चाहते हैं, सो प्लीज थिंक थरली इस स्टेज पे. अगेन एज वी मैंशन एट द वेरी स्टार्ट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, आप 10th के 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं या अपने मास्टर्स करने आ रहे हैं, पहला चूज योर कोर्स वेरी वाइजली. प्लीज चेक कि आपका जो कोर्स आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गुड सम ऑफ अमाउंट लेके आ रहे हैं, आप अपने यू नो सेविंग से या अपने पेरेंट्स की सेविंग से वो पैसा लेकर आ रहे हैं. इट शुड मेक दैट वैल्यू, राइट? यू शुड गेट दैट वैल्यू वंस यू आर डन विद योर कोर्स. आपका कोर्स अच्छा होना चाहिए, आपको जॉब पता है कि इसकी जॉब यहाँ पे मुझे मिलेगी ही मिलेगी. बेस्ड ऑन दैट आप अपने पीआर के प्रोसेस के टूवर्ड्स प्रोग्रेस कर सकते हैं, पीएनपी के थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन. एंड कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वाइल वी आर एट इट. हालांकि वो 2022 से कुछ ज्यादा रिलेटेड है नहीं, वो एक एवरग्रीन काइंड ऑफ सिचुएशन है. यस, यूनिवर्सल काइंड ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि वेदर, बहुत हार्श वेदर रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सी प्रोविंस में अगर आप हैं. इस बार अल्बर्टा में जहाँ की हम हैं, वहाँ पे टेम्परेचर -45 to -50 तक गया है वर्स्ट केस सिनेरियोस में, व्हिच इज रियली बैड, हार्श, सिंपल लैंग्वेज में हार्श. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे वेदर बहुत हार्श रहने वाला है, चाहे किसी प्रोविंस में 1 महीने में 2 महीने में कहीं में 4 महीने में रहेगा. प्लीज कम विद दैट माइंड सेट. बेस्ड ऑन दैट डिप्रेशन, होम सिकनेस, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते, चारों तरफ बर्फ दिखेगी. अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ही ये स्टेप लीजिए, वरना थिंक अबाउट इट अगेन. मेडिकल सिस्टम इज अनदर वन ऑन द लिस्ट. मेडिकल सिस्टम यहाँ का बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया या हम जिन कंट्रीज से आते हैं. बेसिकली यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिलेड प्रोसेस मिलेगा. ऑल दो मेडिकल सिस्टम अच्छा है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है उसका. जैसे कि आप इंडिया में डॉक्टर के पास यू नो अपॉइंटमेंट लेके
साथ के साथ ही दिखा लेते हैं, साथ के साथ दवाइयां मिल जाती हैं, एंटीबायोटिक्स पे आप होल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको अपना प्रोसेस, अपना जो भी आपका अगर डिटेल्ड चेकअप करवाना है उसका एक थरो प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। आप बाईपास नहीं कर सकते, लाइन में जंप नहीं कर सकते। सो प्लीज कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड। ये डे टू डे वाली चीजें, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो एक डिसीजन फॉर्म करने में आपको हेल्प करेंगे। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द मेन क्वेश्चन, कि क्या 2022 एक गुड ईयर है फॉर यू टू माइग्रेट टू कनाडा। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, इट रियली रियली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, कि आप एक तो किस कैटेगरी में आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किस स्टेज में, कि आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, कि आपके पास कहीं और सेटल जॉब है, या कहीं आपके पास सेटल जॉब नहीं है और तो करके आप आना चाहते हैं, और किस कैटेगरी के थ्रू आना चाहते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। गाइस, इन दिस वीडियो वी हैव प्रेजेंटेड यू विद द फैक्ट्स एंड करंट सिचुएशन इन कनाडा। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप एक ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर आवर कंटेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।